नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सीहोर एसपी एसएस चौहान ने संभाला मोर्चा। जिले के थाना क्षेत्रों में रात करीब 3 बजे से ले रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं सीहोर जिले की नदी नाले उफान पर है। रात भर झमाझम बारिश से आष्टा की पार्वती नदी और पपनाश नदी पुल से 5 फीट ऊपर बह रही है और जावर नेवज नदी की दोनों पुलियां हुई जलमग्न। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सीहोर पुलिस कप्तान एसएस चौहान ने मोर्चा संभाला और सीहोर में विधायक स्वदेश राय, पुलिस कप्तान सहित प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद आष्टा के डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। रात भर हुई बारिश के बाद आष्टा की पार्वती और पपनाश नदी सुबह सुबह पुल के ऊपर से निकलना शुरू हो गई एवं जावर नगर परिषद की दोनों पुलिया जलमग्न हो गई। पुलिस और प्रशासन ने दोनों ओर से बैरिगेट्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी है। वहीं सीहोर पुलिस कप्तान एसएस चौहान आष्टा जावर पहुंचे और पपनाश नदी और पार्वती नदी के पुल के समीप एवं नेवज नदी, जावर, दुधी नदी, डोडी के पुल पर पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और थाना प्रभारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मौसम का पूर्वानुमान मिल गया था कि भारी बारिश की संभावना है, उसको लेकर हमने कल शाम से ही पूरी व्यवस्था कर ली थी। ऐसे रपटे, ऐसी छोटी पुलियां, ऐसे पुल जिन पर पानी आ सकता था उन पर हमने पहले से संकेत लगा दिए थे, अपने आदमी लगा दिए थे। उसके बाद जब रात में तेज बारिश हुई तो सबसे पहले सीहोर कस्बे में जो बस्तियाँ हैं जहाँ लगातार पानी भरने की शिकायत आती है उनको रेस्क्यू करा। उसके बाद अमरगढ़ में कल रात से कुछ लोग फंसे हुए थे सैलानी, उनको रात भर रेस्क्यू करके सुबह 5:30 बजे उनको वहाँ से मुक्त कराया। इसी प्रकार थाना ब्रिजगंज क्षेत्र में विभिन्न जगहों से 18 आदमी हमने रेस्क्यू करे हैं और लगातार हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आष्टा कस्बा भी दोनों तरफ से कट गया है मुख्य मार्ग से। आपका जावर का जो आप पुल देख रहे हैं भी पुल टच हो रहा है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो अतिवृष्टि इसमें कोई जनानी और धनानी ना हो पाए। खबर समय जगत के लिए सीहोर से सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।